बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम हूर फारूक है और मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ और लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में मैं काम कर रही हूँ। शोज़ मतलब ये रोड शो वगैरह, ये ब्रांड शूट काफ़ी मैंने ना काम किया हुआ है। तो कुछ दिन पहले मुझे ये निजी टीवी चैनल से कॉल आई थी और कह रहे थे कि आप ना हमारे साथ काम करें। पहले भी मैंने उनके साथ काम किया है तो ठीक था काम। तब उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की है कि आप हमारे साथ काम करें। तो मैं उनके पास काम करने के लिए गई हूँ तो वहाँ पे एक वकार नहीं का लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था और मुझे कहता है कि मेरे साथ ना दोस्ती कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी, मैं क्यों आपके साथ दोस्ती करूँ। कहता है मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं आपको पैसा हर चीज़ मतलब हर चीज़ आपको दूंगा, जो जो आपकी ज़रूरियात है ना मैं वो पूरी करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे बस आप काम करवाएं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो परसों की बात है, उसने बदतमीजी की है मेरे साथ, गाली गलौची की है। मैं अंदर गई हूँ तो सामान अपना शूट था, सामान लेने गई हूँ अंदर तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो कहता है गाली निकाल के मुझे कहता है कि अभी तक तुम गई नहीं हो। क्या गाली निकाली उसने और आपने गाली आगे से क्या रिएक्शन दिया? गाली उसने मुझे ये गाली ये बोला गाली उसने मुझे ये दी थी कि तुम लोग फुद्दू के अभी गए नहीं हो क्या। मैंने आगे से ना मैंने कहा तमीज़ करो, मेरे साथ बदतमीज़ से बात नहीं करो, ठीक है ना। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ तमीज़ से बात करो। पहली बात तो ये कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक औरत जात हूँ और मेरे साथ तमीज़ से बात करो। आप लोगों को तो तमीज़ ही नहीं है कि एक आर्टिस्ट से बात कैसे करते हैं। और वो फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करने लग गया, कहता है करनी है बदतमीज़ी तुमने, क्या करना है, क्या कर लोगी तुम औरत हो, तुम क्या कर सकती हो मुझे ये बताओ। उसने गाली गलौज निकाल के तो मुझे कहता है अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। फिर उसने मुझे दोबारा गाली दी और कीबोर्ड वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह पड़े हुए थे और उसने कीबोर्ड उठा के मेरे सर में मारा। और फिर उसके बाद पानी की बोतल थी, स्पीकर थे, स्पीकर उसने ये देखे मेरे लिप्स पे मारे और मेरे सर पे उसने कीबोर्ड मारा और मुझे पानी वाली बोतल मारी। मतलब काफ़ी ऐसे ना मुझे मतलब नीचे गिर गई तो ऐसे मुझे पाँव के साथ भी मारने लग गया। कहता अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाता है। और वहाँ पे दो लोग थे, एक बाबा जी और एक वो आदमी था, उसने मुझे एक ने यहाँ से पकड़ा था और एक ने मुझे यहाँ से पकड़ा था। तो वो मुझे मारता रहा, जब मेरी चीखों की आवाज़ गई है बाहर तो बाहर से वो आए हैं, मुझे दूसरों ने आके छुड़ाया। उतनी देर तक फिर मैंने 15 पे कॉल की है, ये गुलशन इकबाल थाना लगता है, 15 पे फिर कॉल की है और वो तब तक ना लड़का वहाँ से भाग गया था। तो वहाँ पे मुझे मतलब मारता रहा, काफ़ी ऐसे चीज़ें उठा के मारता रहा और मैं नीचे गिर गई हूँ और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया ना। तो मैंने उसको बोला कि नहीं करो ऐसे मेरे साथ, क्यों है? और मुझे काफ़ी मारता रहा। ये कीबोर्ड 3-4 उसने मुझे उठा के मारे और मैं वहाँ पे नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। और फिर उसने मुझे मज़ीद मारना शुरू कर दिया और मैं रोने लगी, मुझे ठुड्डे मारे उसने पेट में और सीने में, बाजू उसने मेरे इतने पकड़ के नोचे। फिर मैंने चीखे मारी और बाहर से कुछ लोग आए, फिर जिन्होंने मतलब आके मुझे वहाँ से छुड़वाया। और फिर वो मैं बाहर आई हूँ तो 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल की है, पुलिस को बुलाया है। लेकिन वहाँ तब जब पुलिस आई है तो तब लड़का वहाँ से भाग गया था। अब हमें ये बताएं कि हम छोटे आर्टिस्ट हैं, हम किधर जाएं, कोई बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला चीफ गेस्ट है, हम किसके पास जाएं, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। जहाँ भी जाएं शोबिस की फील्ड में, और जो अच्छे हैं ये छोटे लोगों की वजह से बड़े लोगों का जो अच्छे काम करवा रहे हैं उनका नेम भी ख़राब हो रहा है, वो भी गंदे हो रहे हैं। तो पहले कहते हैं हमारे साथ दोस्ती करो फिर हम आपको काम करवाएंगे। मेरे वज़ीर आला और राजीव पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है कि इन दरिंदों को हमारे से दूर रखें। अब ये तो नहीं है कि हम अपनी इज्जत बेच के अपना घर चलाएं, काम करें या अपना पेट पालें, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको हमारे से दूर रखें, ठीक है ना। हम ये नहीं कर सकते कि अपनी इज्जत बेचें और अपनी इज्जत बेच के काम करें। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई करें, ठीक है ना, ताकि हम भी महफूज रहें। छोटे आर्टिस्ट के हैं, बड़े ये सब महफूज रहें और हमारी इज्जत महफूज रहे और हमारी इज्जत महफूज रहे और हम काम करें और अपना पेट पालें। और मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी ये बड़े आर्टिस्ट हैं और ये मुझे सपोर्ट करें और मेरा ये साथ दें।
थाने में आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? क्या कहते हैं थाने वाले? दो मिनट देना, ऑन कर कोई कर। फिर हम ये इधर थाने में गए हैं, ये गुलशन इकबाल थाना है, वहाँ पे गए हैं, एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी, किसी किस्म का उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कहते हैं जाओ जाके अपना मेडिकल करवाओ, तो किसी को साथ नहीं भेजा, कहते हैं खुद ही चाहे आप अपना जाके मेडिकल करवाओ। गए हैं मेडिकल करवाने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई काम नहीं करवा रहा। थाने वालों ने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया, कहते हैं कि आप जाके मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए भी किसी को साथ नहीं भेजा, वहाँ पे गए हैं, कहते हैं फीस दें, कभी कहते हैं सुबह आएं, कभी कहते हैं शाम को आएं, तो वहाँ पे भी किसी ने बात नहीं सुनी। तो हमें तो यही लग रहा है कि ये सब मिले हुए आपस में, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। अब छोटे आर्टिस्ट हैं, किसी के कोई बात ही नहीं सुन रहा। बाप हमें बताएं कि हम किधर जाएं, हम अपना घर का चूल्हा कैसे चलाएं, किधर जाके काम करें। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप वज़ीर आज़म या ये आई जी पंजाब में, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये इन दरिंदों से हमें महफूज रखें और हमारा साथ दें। इतनी महंगाई तो हुई है, तो ये बार बार आना जाना हॉस्पिटल में थाने में, ये इतने चक्कर लग रहे हैं, किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आने जाने के लिए खर्चे ही बढ़ती रहूँ। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंसाफ दें, बस मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मैं औरत जात हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ दें, जलील ना करें। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये जलालत नहीं चाहिए, बार बार आना जाना हॉस्पिटल में ये थाने में, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ओके, शुक्रिया।